गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बेटा आपको पता है, एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों होती हैं। बट गिब्स फ्री एनर्जी के साथ हमने इसका रिलेशन करना है। आपने गिब्स फ्री एनर्जी प्लस वन में कर लिया, बट मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि देखो, गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी, अब फ्री एनर्जी मतलब फ्री, जिसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं है। लेट सपोज यू आर कंसिडर अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है बेटा। हमने कहा कि इस सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज अ 100 किलो जूल। अगर इस 100 किलो जूल में से वो 60 किलो जूल एनर्जी को यूज करता है, अगर एक सिस्टम के अंदर 100 किलो जूल एनर्जी स्टोर है, तो वो उस 100 किलो जूल स्टोर एनर्जी को यूज नहीं कर सकता वर्क करने के लिए। जैसे अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है, तो हम उस सारी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते वर्क करने के लिए। जबकि उसका कुछ अमाउंट अगर हम जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते भी हैं, खाना पीना, बाथिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रीडिंग कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जो टोटल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉट कंज्यूम, बट सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो वी कैन से दैट इफ अ सिस्टम हैविंग अ 100 किलो जूल एनर्जी एंड इट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर डूइंग द वर्क एंड सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम। तो लेट सपोज वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम हैविंग अ 100 किलो जूल एनर्जी इन विच 60 किलो जूल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर डूइंग अ वर्क, वी कैन से 60 किलो जूल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर वॉट, फॉर डूइंग वर्क। तो वी कैन से इट इज अ फ्री एनर्जी। वाई इट इज कॉल्ड अ फ्री एनर्जी? बिकॉज 60 किलो जूल एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डूइंग अ एनी वर्क। तो दैट 60 किलो जूल एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्री एनर्जी। लेट सपोज इफ आई एम सेइंग आउट ऑफ दैट 60 kg एनर्जी 10 kg ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर डूइंग अ फर्दर वर्क एंड 50 किलो जूल एनर्जी इज लेफ्ट, देन हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क? वी कैन से द वर्क डन यूटिलाइज 10 किलो जूल एनर्जी, बट इफ वी कैलकुलेट द गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज अ डेल्टा जी विच वी डू इन अ प्लस वन, वट इट्स फॉर्मूला? डेल्टा जी फाइनल माइनस डेल्टा जी इनिशियल। तो डेल्टा जी फाइनल इज अ 50, बट इन स्टार्टिंग हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल? 60। आउट ऑफ दी 60, 50 इज लेफ्ट एंड द 10 किलो जूल एनर्जी इज यूज फॉर डूइंग द वर्क, देन डेल्टा जी इक्वल टू -10। ऐसे ही अगर हम बोले कि आफ्टर 50 kg 40 kg एनर्जी इज यूज लेफ्ट, हाउ मच एनर्जी इज यूटिलाइज? 10 किलो जूल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर डूइंग द वर्क, एंड इन दैट केस वॉट इज द डेल्टा जी? 40 - 50, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज अ -10। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल वट वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन से दैट द वर्क डन इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और वी कैन सिंपली से द वर्क डन इक्वल टू फ्री एनर्जी। वी कैन से बिकॉज डब्ल्यू इज 10 एंड द डेल्टा जी इज ऑल्सो 10, बट द नेगेटिव साइन इज हेयर एंड दैट नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट बाय विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल, यू कैन नॉट राइट इट, बट दिस इज फॉर अ अंडरस्टैंडिंग। विद दैट एग्जाम्पल यू कैन लर्न दैट थिंग कि वर्क डन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, बिकॉज दैट फ्री एनर्जी इज इन अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव मीन्स डिक्रीज। तो दैट कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट फर्दर वी डू द फर्दर रिलेशनशिप बिटवीन अ गिब्स फ्री एनर्जी एंड अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बेटा, तो वी कैन से डब्ल्यू वर्क डन इज अ डब्ल्यू एंड फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी एंड डिक्रीज इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, दैट वी कम फ्रॉम दैट एग्जाम्पल विच वी टेकन अर्लियर बिफोर दिस। एंड वी नो इफ सेल इज यूज, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हाट हैपेंस? केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड,
तो वी कैन से हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इन टर्म ऑफ फिजिक्स वी कैन से वर्क डन इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज. यू नो वेरी वेल द चार्ज इज अ क्यू एंड द वोल्टेज इज अ डब्ल्यू. वी कैन कोरिलेट दीज टू इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू. तो वी कैन से इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू वी कैन राइट माइनस डेल्टा जी. माइनस डेल्टा जी क्यू मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज. वी नो हाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ दैट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू नो क्यू चार्ज इज इक्वल टू एन ई. एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन. इफ द चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अ वन फैराडे. तो वी कैन से वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन फैराडे. तो क्यू इज इक्वल टू एन एफ. इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज देन वी आर यूजिंग अ एन एंड एफ फॉर फैराडे. तो वी कैन राइट माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ वी. और वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट सेल बिकॉज इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विच गिव्स द ई नॉट ऑफ द सेल बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वी वी कैन राइट वट वी कैन राइट माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू इन दिस फॉर्मूला और यू कैन दिस फॉर्मूला क्यू मल्टीप्लाई बाय वी. क्यू की जगह क्या लिख देंगे बेटा एन एफ और वी की जगह क्या लिख देंगे ई सेल. या फिर आप क्या कर सकते हो ये नेगेटिव को उधर ले जाओ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया इसके बीच में गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ई सेल. अगर हमने ये इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखनी है आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या नॉट लगा देते हैं. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी जब हम टेम्परेचर कितना ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन. तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. अब आपको पता है बेटा विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला अब हमने ये बताना कि वो सेल कब रिएक्शन करेगा कब उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी और उसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है जिसको आप बेटा विद द हेल्प ऑफ थ्री पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो. वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ. अब देखो बेटा आपको पता है कि अगर एक सेल वर्क करेगा जब उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में करा था तो उसके लिए क्या होना चाहिए जो ई सेल है वो कितना क्या होना चाहिए पॉजिटिव. अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो हम कह सकते हैं सेल इज स्पॉन्टेनियस. अगर वो सेल स्पॉन्टेनियस है तो सेल क्या करेगा सेल विल वर्क. सेल वर्क करेगा तो उसकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल. अब ई सेल क्या है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल इज पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो डेल्टा जी भी क्या आ गया नेगेटिव. आपको पता है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तभी सेल वर्क करता है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इफ द ई सेल इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन टेक प्लेस देन द केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड केस टू इफ वी से ई सेल इज नेगेटिव देन व्हाट हैपेंस विद द सेल वी कैन से सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब सेल वर्क ही नहीं करेगा सेल इज नॉट फिजिबल. मैंने आपको पहले बताया था स्पॉन्टेनियस की जगह हम फिजिबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. अगर हम इसी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल क्या आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा प्लस देन डेल्टा जी विल बी प्लस. तो सेल इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल वर्क ही नहीं करेगा. अब सेल वर्क नहीं करेगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था इट इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल.
जब सेल ने काम करना बंद कर दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताई थी पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किधर होती है, लेफ्ट बीकर में, रिडक्शन किधर होती है, राइट बीकर में। तो जब ये कॉन्टिन्यूशन में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसे आएगा जब सेल काम करना बंद कर देगा। जब सेल काम करना बंद कर देगा तो हम उसको ई एक्सटर्नल प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे। जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन लेफ्ट बीकर में हो रही थी उसमें क्या हो जाएगी, जिंक की रिडक्शन, और जो हमारे पास कॉपर की रिडक्शन हो रही थी उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल बी रिवर्स, सेल रिवर्स हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास ई सेल नेगेटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, टू चेंज इनटू अ स्पॉन्टेनियस द सेल विल बी रिवर्स, इट इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द ई सेल इज जीरो, अगर ई सेल जीरो तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एन एफ देन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। बट डेल्टा जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर हम इसको इस फॉर्मूले से देखें तो हम जीरो को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है। अब हमें पता है कोई भी एक रिएक्शन ऐसी कभी भी नहीं होगी जिसमें एन जीरो होगा, क्योंकि हमेशा मेटल के केस में एन कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे वन होगा चाहे टू होगा। एफ कैन नेवर बी जीरो, वो जिसकी वैल्यू अगर हम वन फैराडे भी लें तो वो कितनी है, 96500। तो डेल्टा जी कैन नेवर बी जीरो, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। बट उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इसमें सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम। तो अगर ईएमएफ सेल का जीरो हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन द ईएमएफ ऑफ सेल बिकम जीरो देन नो यूजफुल वर्क इज डन बाय सेल। भाई सेल कुछ काम तो कर रहा है क्योंकि सेल इक्विलिब्रियम में है। ई सेल जीरो हो सकता है बेटा, कभी डेल्टा जी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, ना ही एन जीरो होगा ना ही एफ जीरो होगा। तो सेल कुछ काम तो करेगा बट वो जो काम करेगा वो क्या होगा, हमारा यूजफुल वर्क नहीं होगा। अगर वो यूजफुल वर्क नहीं है तो हमारे पास सेल किस सिचुएशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा तो हम इसके लिए अगर नर्नेस इक्वेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम सेल को क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सेल, जो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। एक टॉपिक था ये बेटा रिलेशनशिप था गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया कि पहले जो वर्क टर्म था वो डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी चेंज है, वो कैसे होता है वो मैंने आपको कंडीशन से एक समझा दिया। फिर फिजिक्स की टर्म में डब्ल्यू किसके इक्वल था, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, क्यू किसके इक्वल हुआ, एन एफ के हुआ, वी किसके हो गया, ई सेल के हो गया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में हमने बताया कि अगर हमारे पास ई सेल की अलग अलग पॉसिबिलिटी कि कब एक रिएक्शन होगी और कब एक रिएक्शन नहीं होगी, कब एक रिएक्शन होगी, जब हमारे पास ई सेल पॉजिटिव होगा। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल इज अ नेगेटिव एंड द डेल्टा जी इज अ पॉजिटिव, देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इन दैट केस द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज चेंज इनटू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द टोटली रिएक्शन इज अ रिवर्स। And the third situation is that if the E cell is the zero, then cell attain a equilibrium. In equilibrium, the delta G can never be zero, but the cell do the work, and that work is not utilizable by us because in that the chemical energy is not changing to electrical energy. But E cell can be zero, delta G can never be zero. This is the third possibility. After that, we will discuss the concentration cell in the next video. Thank you.